क्या आप झारखंड बिहार के निवासी हैं? काम के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य में निवास करते हैं और दशहरा दिवाली या छठ पर अपने घर जाना चाहते हैं तो ये खबर सिर्फ आपके लिए ही है। जी हाँ, भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। रेलवे की माने तो अब ट्रेन के स्टेशन से छूटने के 30 मिनट पहले दूसरा आरक्षण चार्ट भी जारी करने का काम किया जाएगा। इसकी जानकारी रेलवे की ओर से सोशल मीडिया पर भी दी गई है। रेलवे ने ये 10 अक्टूबर से बहाल करने का मंगलवार को निर्णय ले लिया है। सभी जोनल रेलवे से आए आग्रह के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने इस पर विचार किया और बाद में इस पर अमल किया गया। इस बदलाव के पीछे के मकसद की बात करें तो इसका उद्देश्य है कि पहले रिजर्वेशन चार्ट के आधार पर खाली सीटों के लिए ऑनलाइन और PRS काउंटरों पर टिकटों की बुकिंग करने का काम किया जा सके। यहां आपको बता दें कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने ट्रेन खुलने से 2 घंटे पहले दूसरा आरक्षण चार्ट जारी करने का अस्थायी निर्णय पिछली बार लिया था। यदि आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि रेलवे अपना पहला आरक्षण चार्ट ट्रेन खुलने के 4 घंटे पहले जारी करता था। भारतीय रेलवे ने स्टेशनों से ट्रेनों के खुलने से आधा घंटा पहले दूसरा आरक्षण चार्ट तैयार करने की पिछली प्रणाली को 10 अक्टूबर से बहाल करने का निर्णय ले लिया है। बीते कुछ महीनों से कोरोना के मद्देनजर ये अवधि निर्धारित प्रस्थान समय से 2 घंटे पहले कर दी गई थी। एक बयान में रेलवे ने कहा, COVID-19 से पहले के दिशा निर्देशों के तहत पहला आरक्षण चार्ट ट्रेनों के निर्धारित प्रस्थान समय से कम 4 घंटे पहले तैयार की जाती थी, ताकि उपलब्ध बर्थ द्वितीय आरक्षण तालिका के तैयार होने तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर PRS काउंटरों और इंटरनेट के माध्यम से बुक किया जा सके। रेलवे ने कहा कि दूसरा आरक्षण चार्ट ट्रेनों के प्रस्थान समय से 30 मिनट से लेकर 5 मिनट पहले तक तैयार की जाती थी। पहले से बुक टिकट भी इस दौरान रद्द किए जा सकते थे। रेलवे ने आगे कहा कि ऑनलाइन और PRS टिकट काउंटरों पर टिकट बुकिंग सुविधा दूसरे आरक्षण चार्ट के लिए तैयार होने से पहले उपलब्ध होगी।